नमस्कार, पनावरा टीवी में आपका स्वागत है। जैसलमेर शहर में हुई दो बड़ी घटनाओं के संबंध में पुलिस अधीक्षक गौरव यादव हुए मीडिया से रूबरू। जैसलमेर आज पुलिस कोतवाली। जैसलमेर में पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने कल जैसलमेर में हुई दो बड़ी घटनाओं का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों घटनाएं गंभीर है और इस संबंध में गहन अनुसंधान जारी है। आइए इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे रिपोर्टर नवीन वाधवानी के पास और पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने क्या कहा, सुनते हैं उनकी जुबानी। उस पे मुकदमा दर्ज किया गया जिस भी धाराओं में जो भी आशंका जताई थी। अभी हाल तक का जो अपडेट है उससे एफएसएल टीम डिपार्टमेंट से बुलाई गई, जिससे जिस मकान पे शक जाहिर कर रहे थे कुछ मकान गड़ती गई होगी, एफएसएल टीम ने जो उसकी रेकी की और जो उसके बारे में पता किया तो उस रूम में ऐसा कोई भी संदिग्ध चीज अभी तक नहीं मिली है। सेकंड चीज़ जो है, हमने एक स्निफर डॉग ट्रैकर डॉग जोधपुर से मंगाया था ये पता करने के लिए कि यदि बच्ची घर से निकली थी तो किस रूप से गई थी, किस संभावित रूप से गई थी। तो उस जो ट्रैकिंग हुई है उससे भी ये ऐसा क्लियर कट लग रहा है, अभी तक प्रतीत हो रहा है कि घर से वो सीधे शायद गड़ीसर लेक गई थी। इसके अलावा एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है जो कि जिसमें कि बच्ची अकेली दिख रही है, तो ऐसी संभावना है कि शायद ये किसी न किसी तरीके से सुसाइड होना चाहिए। सेकंड जो मर्डर वाली बात है वो पोस्टमार्टम में भी प्रथम दृष्टया न तो दुष्कर्म का आया है न तो मर्डर का आया है, परंतु क्योंकि काफ़ी गंभीर घटना है, किसी की डेथ हुई है, तो हमें किसी भी तरीके से इसमें कोई भी एंगल छोड़ नहीं सकते हैं। तो एक जो खून की गूंद मिली थी जिसपे लोग शक जाहिर कर रहे थे शायद बच्ची का हो सकता है, उसको हमने प्रिजर्व किया है और उसका डीएनए टेस्ट करवाएंगे। यदि वो उससे मैच करता है तो हो सकता है कि कोई और मतलब पॉसिबिलिटी हो जाए, और यदि नहीं मैच करता है तो भी क्लियर हो जाएगा कि ये खून शायद किसी और का था। सेकेंड चीज़, अभी जो CDR है, जो फ़ोन यूज़ हुए हैं सस्पेक्टेड के फ़ोन, घर वालों के फ़ोन और बच्ची के पास यदि कोई फ़ोन है उनकी CDR निकाल के उसकी एनालिसिस की जा रही है कि रात में एक्चुअल में क्या घटना हुई है। तो जो भी प्रथम दृष्टया जो कि अभी सुसाइड प्रतीत हो रहा है, बट हम किसी एंगल को उसमें अनटच नहीं रखेंगे, यदि किसी प्रकार की कोई और घटना होगी तो उसको भी बिल्कुल सामने लाया जाए। सेकेंड, एक कल रात में जो सूचना मिली, एक वृद्ध महिला की डेड बॉडी मिली थी, हत्या की गई थी गफूर भट्टा कॉलोनी में, उसमें भी जो है कि हमने एफएसएल टीम का सहयोग लिया और इसके साथ साथ जो हमारे पास ट्रैकर डॉग है जो अभी रिसेंटली राजस्थान पुलिस ने लिया था उसकी हेल्प ली, और उसमें ऐसा अभी तक जो है प्रतीत हो रहा है कि शायद संभवतः कोई व्यक्ति जान पहचान का या तो या महिला को अपने झांसे में लेकर घर में नॉर्मल तरीके से प्रवेश किया है और उसके पश्चात मर्डर किया है। संभावना दोनों हो सकती है कि कुछ पैसे रखे हों जिसको कि वो लूट के ले जाना चाहता हो, अथवा कोई और अन्य रंजिश हो जिसकी वजह से वो जिसने मर्डर कर दिया हो, कोई पारिवारिक रंजिश हो वो भी है। तो हमें जो ट्रैकर डॉग से और जो एफएसएल टीम से सुराग मिले उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द ओपन करेंगे। सर, उनके घरों में कोई क्या उनके घर वालों ने अभी प्रथम दृष्टया कोई शक जाहिर नहीं किया है, उनके हिसाब से अभी तक हमारे हिसाब से भी ब्लाइंड मर्डर है। और जो बच्ची वाला जो सुसाइड मामला उसमें अभी अरेस्ट किया गया से बात या उसमें कोई मतलब जो फरार है उनके नामजद है उनकी तलाश में? हाँ, उसमें जो नामजद मुलजिम है उनमें से कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है और बाकी के बारे में पता किया जा रहा है क्या है क्या नहीं है, और उनको भी जल्दी ही बुलाकर उनसे पूछताछ की जाएगी और जैसा भी आगे होगा उस तरीके से कार्रवाई करेंगे। सर, एक वो तथ्य था ना कि कॉल डिटेल की जो है लास्ट लोकेशन उस कमरे के अंदर मिली है, वो क्या चीज़ है सर? किसकी कॉल डिटेल? कि भाई लड़की की जो कॉल मतलब मोबाइल लोकेशन है वो लास्ट में उस रूम के अंदर पाई गई थी, कि ये तथ्य? मोबाइल लोकेशन तो पहली बात कभी पिन पॉइंट आती नहीं, ऐसा कोई तथ्य हमारे सामने आया भी नहीं और पिन पॉइंट लोकेशन आती भी नहीं। पिन पॉइंट नहीं होती लोकेशन में, साहब ये न्यूज़ पेपर में था कुछ नहीं? कंपनी के बारे में काफी लोगों का पैसा लेके फरार होने की बात आ रही है, इसमें भी लेकर क्या खबर है? इसमें जो भी हमारे पास शिकायतें आ रही हैं उसमें